हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे अरहर दाल की एक रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी है और कम तेल में बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे एक बार जरूर बनाकर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले के कुकर रख देंगे, कुकर में पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम अरहर दाल को अच्छी तरह से धोकर हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धोकर काट कर रखा है। इसमें है आलू, पम्पकिन, पपाया और बैंगन है और अरबी है। आप अपने हिसाब से और भी कोई भी वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें नमक हल्दी डालकर इसका लिड बंद कर देंगे। हाई फ्लेम में एक व्हिसिल के बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब उसको साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें सरसों के तेल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें पाँच फुटन डालेंगे, जिसमें है जीरा, सरसों, मेथी, सौंफ और काला जीरा। अब इसके बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसको भुनेंगे। अब इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको भी मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसके बाद हम जो वेजिटेबल्स को बॉईल करके रखे थे अब इसमें डाल देंगे। अब ये हो गई है, जो वेजिटेबल्स और दाल को बॉईल करके रखे थे इसको अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाकर देखिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और कम तेल मसालों में बनकर रेडी हो जाती है और कम समय में भी बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। आप इसे बनाइए और आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक टाटा।